वेल जब कपड़े और ज्वेलरी जो है वो बहुत ही सुंदर होती है तो ऑफकोर्स यू फील ब्यूटिफुल एंड यू लुक ब्यूटिफुल एंड यू फील ब्यूटिफुल. सो बहुत ही अच्छा रहा. बहुत कलेक्शन जो इनका ज्वेलरी का कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है एंड आउटफिट के साथ भी बहुत परफेक्टली जा रहा था. ये लुक मैंने एक्चुअली पहली बार किया है एज अ शो स्टॉपर तो मेरे लिए बहुत नया था. मांग टीका और इनका जो ये पोलकी चोकर है वो मैंने पहली बार पहना है ऑन रैम. एज अ मॉडल तो काफ़ी कुछ पहना हुआ है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी लेकिन एज अ शो स्टॉपर एज अ सेलिब्रिटी एज समवन हु इज़ नाउ अ लिटिल नोन पहली बार ऐसा पहना है ये लुक जो है वो पहली बार किया है तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आया रैंप पे चलते हुए. वेल अगर ट्रेडिशनल इंडियन ओकेजन्स हैं अगर शादी है या कोई फंक्शन है या इवन फेस्टिवल्स हैं तो आई फील इंडियन वेयर के साथ इंडियन ज्वेलरी ही अच्छी जाती है एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन वी एक्चुअली गेट द टाइम टू वेयर ऑल दिस. तो मुझे तो काफ़ी पसंद है. नहीं एक्चुअली इतनी हैवी नहीं है ऑनेस्टली ये ज्वेलरी दिस इज़ नॉट दैट हैवी. मैं भी बहुत सरप्राइज थी. देखने में बहुत हैवी लगती है बट ज्वेलरी इतनी हैवी नहीं है. मेरा लहंगा ज़्यादा हैवी है.